जो जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदा आई है और उससे जो पीड़ित हैं, जिन लोगों की जाने गई हैं, उनके प्रति व्यक्त करता हूं। यहां तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि विगत 109 वर्षों में ऐसी प्राकृतिक आपदा जम्मू कश्मीर में कभी नहीं आई थी जैसी कि इस बार आई है। उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मैं बाद में दूंगा, लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद 100 दिनों के अंदर हमारे गृह मंत्रालय ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं उसकी जानकारी आपको देना चाहूंगा। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के मंत्रीगण ने अपनी प्रेस वार्ता की है, आपको जानकारी दी है, और आज के दिन मैं अपने गृह मंत्रालय की उपलब्धियों की जानकारी आपको दूंगा। विगत 100 दिनों के अंदर जो कुछ भी हम लोगों ने किया है उसका आधार हमने बनाया है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी हमने प्रमुख घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं की को पूरा करने की दृष्टि से हमने कुछ प्रमुख पहल की है, क्योंकि हमारी यह दृढ़ मान्यता है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो अथवा कोई भी क्षेत्र हो, उसमें क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वास का संकट नहीं पैदा होना चाहिए। वर्ड्स और डीड्स, इनमें अंतर नहीं होना चाहिए। और भारत की राजनीति का सबसे बड़ा चैलेंज मैं यही मानता हूं कि वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने का, उसी के परिणाम स्वरूप यह क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। और हमारी सरकार ने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है। हमने जो कहा है वही हमने करने की कोशिश की है। यहां तक होम मिनिस्ट्री का प्रश्न है, होम मिनिस्ट्री के मैंडेट के बारे में आप सबको जानकारी है, लेकिन विशेष रूप से इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटर स्टेट रिलेशंस और यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन राइट्स और वीजा रिलेटेड इश्यूज, और साथ ही साथ सेंसस रिलेटेड इश्यूज, और इसके अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस का मैनेजमेंट, यह सब सारे मैंडेट हमारे होम मिनिस्ट्री की है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक आपदा के संबंध में। यह एक प्रकार की राष्ट्रीय आपदा है। मैं सराहना करना चाहता हूं भारत के सेना के जवानों का, चाहे वह आर्मी के जवान रहे हों, चाहे इंडियन एयरफोर्स के रहे हों, चाहे हमारे नेवल फोर्स के रहे हों, और साथ ही साथ हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के NDRF के जवान रहे हों। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और अब तक जम्मू कश्मीर में लगभग 1,30,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, और अब भी यह निरंतर सेवा सेना के तीनों विंगों के द्वारा और साथ ही गृह मंत्रालय के NDRF के द्वारा जारी है। 90,000 के आसपास लोगों को रेस्क्यू करने का काम सेना के तीनों विंगों के नौजवानों ने किया है, और NDRF के नौजवानों ने लगभग 34,000 लोगों को रेस्क्यू करने में कामयाबी हासिल की है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर का दौरा मेरा हुआ था, और आकर जब मैंने प्रधानमंत्री जी को वहाँ की वस्तुस्थिति के संबंध में जानकारी दी, प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि मैं कल ही वहाँ पर जाऊँगा, और जम्मू कश्मीर की स्वयं यात्रा प्रधानमंत्री जी ने की। यहाँ तक जम्मू कश्मीर को इस संकट की घड़ी में मदद करने का प्रश्न है। मैंने पहले ही कहा था कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में स्टेट गवर्नमेंट के पास इस समय 1,100 करोड़ उपलब्ध हैं, और मैं यह जानकारी देना चाहता हूं आपको कि SDRF में 90% कंट्रीब्यूशन यदि किसी का होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। मैंने वहां के मुख्यमंत्री जी को कहा था कि इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जितना कर सकते हैं लोगों को रेस्क्यू करने में, लोगों को रिलीफ पहुंचाने में, उसका यूटिलाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। लेकिन इस अमाउंट के होते हुए भी प्रधानमंत्री जी ने दूसरे दिन जम्मू कश्मीर में जाकर
1000 करोड़ रुपए की स्पेशल पैकेज की भी घोषणा की, और साथ ही साथ यह आश्वस्त किया वहां की राज्य सरकार को कि रेस्क्यू और रिलीफ के लिए हम किसी भी सूरत में धन की कमी नहीं आने देंगे। यह निरंतर सिलसिला जारी है और हमारे होम मिनिस्ट्री ने बहुत ही इस दृष्टि से प्रोएक्टिव और रेस्पॉन्सिव पॉलिसी अपनाई है, और जितना इमीडिएट एक्शन हो सकता था होम मिनिस्ट्री के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा हम लोगों ने वह एक्शन किया है। और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भी हमारी सरकार बहुत गंभीर है। मैं बहुत, यदि आप चाहेंगे तो डिटेल में भी जानकारी दूंगा आपको कि अब तक जम्मू कश्मीर में डिजास्टर के चैलेंज को मीट आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है और आगे क्या क्या हम कर रहे हैं, इसकी डिटेल जानकारी देंगे। मैंने भी गृह मंत्रालय की तरफ से भी बराबर समीक्षा की थी प्रतिदिन, और उसके बाद परसों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गृह मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाकर भी उन्होंने इसकी समीक्षा की है। और इस समय हमारे होम सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर में ही स्टे कर रहे हैं और पूरी जो कुछ भी वहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ का काम चल रहा है उसको उनके द्वारा रिव्यू भी किया जा रहा है। साथ ही हमने एक नई पॉलिसी के तहत सिविल डिफेंस को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से जोड़ने के लिए 20 अगस्त को यानी पिछले महीने 2090 करोड़ रुपए की एक नई स्कीम बनाई है। अब सिविल डिफेंस को डिजास्टर मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण अंग बना दिया गया है। इंटरनल सिक्योरिटी का जहां तक सवाल है, चैलेंजेज हमारे सामने माओइज्म के हैं, जिसे कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, उसका भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का चैलेंज है और नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंट्स के का भी का चैलेंज है, यानी इंसर्जेंसी की एक मेजर प्रॉब्लम है। इन सारे चैलेंजेस को बीट आउट करने के लिए हम लोग अपनी पॉलिसी तैयार कर रहे हैं, और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के चैलेंज को मीट आउट करने के लिए संभवतः पहली बार एक बहुत ही कंप्रेहेंसिव पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है और कंप्रेहेंसिव एक्शन पॉलिसी भी बनाई है, जिसको आज हम फाइनल शेप देंगे। पॉलिसी बन चुकी है, आज ही फ्राइडे के दिन हम उसे फाइनल शेप हम देने जा रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट के संबंध में भी आगामी 15 से लेकर 20 दिनों के अंदर जो हमारी पॉलिसी बनी है उसको भी हम फाइनल शेप देंगे। जम्मू कश्मीर के संबंध में भी हमारी पॉलिसी बन चुकी है, उसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारे हमारे फॉर्मर रिटायर्ड ऑफिसर्स जिनका अनुभव है इन क्षेत्रों में, उनको बुलाकर उनसे भी राय परामर्श करके उसको हम फाइनल शेप बहुत ही जल्दी देने वाले हैं। एक मेजर अचीवमेंट जो हमारा रहा है अब तक नॉर्थ ईस्ट में, आप सबको जानकारी है कि मणिपुर में वहाँ एक यूनाइटेड नागा फ्रंट है,